नमस्कार आपके साथ मैं हूं अंजलि सिंह हमारे खास कार्यक्रम सेहतनामा में आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करते हैं आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता और नियंत्रक कोविड महामारी डॉक्टर सुभाष मिश्रा जो कोरोना से जुड़ी समस्याओं और कैसे इलाज किया जाना है उसके बारे में जानकारी देंगे डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका न्यूज ट्वेंटी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर रिलेटेड अगर कोई डॉक्टर साहब आवाज मिल पा रही है आपको जिसको रिपोर्ट करना है तो लगता है आवाज नहीं मिल पा रही है डॉक्टर मिश्रा को और दोबारा संपर्क करने की उनसे कोशिश करेंगे तो छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं हालांकि आपको ये भी जानकारी हम दे दें कि ओमिक्रोन का अभी भी एक भी केस छत्तीसगढ़ में सामने नहीं आया है ये राहत भरी खबर है लेकिन विदेश से लगातार जो यात्री हैं वो लौट रहे हैं छत्तीसगढ़ में इसको लेकर लगातार राज्य सरकार की जो चिंता है वो बढ़ गई है स्वास्थ्य महकमे को अलर्ट पर कर दिया गया है प्रशासन लगातार अलर्ट है लेकिन इस तो लेकर तमाम तरीके की जो गाइडलाइंस है वो भी जारी कर दी गई है और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो कोरोना का टीका है वो भी लगवा ले कोरोना का टीका जो है वो भी लगवा लें कोरोना से जो जंग है हालांकि तेज होती जा रही है हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई कंपनी ने जो ये है वो बनवाया है वहीं आपको ये भी जानकारी दे क्योंकि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से यहाँ पर जो कोरोना की जो रेस है वो तेज़ होती जा रही है कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं दिल्ली राजस्थान महाराष्ट्र कर्नाटक की बात अगर हम करें तेलंगाना की बात करें यहाँ पर भी जो केसेज हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं केरल में हालांकि थोड़े कम केसेस हैं लेकिन यहाँ पर भी जो मात्रा है और यहाँ पर जो संक्रमितों की संख्या है वो भी लगातार बढ़ रही है दिल्ली में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं इसके अलावा आपको ये भी बात बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है लेकिन आज हमारे साथ जो डॉक्टर जुड़ रहे हैं वो छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता जुड़ने वाले हैं और आज हम बात करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है किस तरीके से यहाँ पर लोगों को हिदायत दी जा रही है हालांकि लोग अभी भी बच रहे हैं कोरोना का टीका लगवाने से लोगों को किस तरीके से जागरूक यहाँ पर किया जा रहा है स्वास्थ्य महकमे के सामने क्या क्या चुनौतियां इस समय आकर खड़ी हो गई हैं इसके बारे में आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि इस कोरोना संक्रमण चूंकि कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है लेकिन कैसे ख्याल रखना है अपना इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे तो डॉक्टर सुभाष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर सुभाष बहुत स्वागत है आपका न्यूज ट्वेंटी फोर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर धन्यवाद जी डॉक्टर सुभाष सबसे पहले सवाल तो मेरा आपसे यही रहेगा क्योंकि कोरोना महामारी जिस तरीके से बढ़ती जा रही है ऐसे में कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखा जाए हमें कोरोना से पूरी सावधानी के साथ में अपना बचाव करना है जिसमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इसका पालन करना है पहला जिसका अंग रहता है मास्क पहनना हम मास्क पहने बिना बाहर ना जाए दूसरा ये कोशिश करेंगे कि हम फिजिकल डिस्टेंसिंग लोगों से कम से कम दो मीटर का बना करके रखेंगे और तीसरा है हाथों को बार बार सैनिटाइज करना ताकि संक्रमण फैलने ना पावे इसमें बाहर से आने वाले यात्रियों के माध्यम से ही कोरोना का संक्रमण या ओमिक्रॉन का संक्रमण या नए वेरिएंट का संक्रमण हमारे देश में प्रदेश में नगर में आता है इसलिए हमें अभी यात्रा नहीं करना चाहिए जी जी बिल्कुल डॉक्टर ये सावधानी रखेंगे तो हमको ये संक्रमण नहीं होगा जी जी इसके अलावा आपने कहा कि यात्रा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हाँ यात्रा अगर बहुत जरूरी नहीं है तो अभी ना करें भीड़ भाड़ से दूर रहें और आयोजनों को हमें अनावश्यक रूप से नहीं करना चाहिए hmm. यात्रा नहीं करनी है लेकिन छत्तीसगढ़ में हम लगातार डॉक्टर सुभाष दे, देख रहे हैं कि विदेश से यात्री जो हैं, वो लौट रहे हैं ऐसे में कोरोना का जो खतरा है वो छत्तीसगढ़ में बना हुआ है लेकिन राहत की बात यह भी है कि ओमिक्रोन का एक भी केस अभी छत्तीसगढ़ में सामने नहीं आया है इसमें दो बातें हैं विदेश से यात्री तो आ रहे हैं बहुत आवश्यक काम होने पर उन लोगों को यात्रा करना आवश्यक हो जाता है अब तक हमारे यहाँ तीन हजार सत्तर विदेशी यात्री आ चुके हैं सत्ताईस नवंबर से ये गणना की गई है तो इतने यात्रियों के आने से भी हमारे यहाँ अभी तक ओमिक्रॉन का संक्रमण नहीं पाया गया है क्योंकि पूरी सावधानी के साथ प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शासन के निर्देशों के अनुरूप स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है तो बाहर से जो भी यात्री आ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने के बाद उनका अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पे कोविड टेस्ट किया जा रहा है और अगर वो निगेटिव है तभी उन्हें वहां से अपने प्रदेश में जाने की अनुमति है प्रदेश में जाने के बाद उन्हें सात दिन के लिए क्वारंटाइन रखा जाता है और आठवें दिन फिर टेस्ट किया जाता है कहीं वो कोविड पॉजिटिव तो नहीं है ऐसे आठ व्यक्ति हमारे यहाँ आ चुके हैं जो कोविड पॉजिटिव आठवें दिन पाए गए थे और इन लोगों का हम लोगों ने सैंपल भेजा है भुवनेश्वर में जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए राहत की बात यही है कि छह लोग उसकी रिपोर्ट आ चुकी है जो कि ओमिक्रॉन के लिए नेगेटिव हैं दो लोगों का रिपोर्ट और आना है इसके अतिरिक्त भी हम लोग बतौर सावधानी क्लस्टर में आने वाले 11 केसेस रायपुर के 23 केस रायगढ़ के इनको हम लोगों ने जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा है और प्रयास यही है कि बाहरी यात्री जो भी आए हमारे नज़रों के सामने रहें या हम हमारी देख में रहें ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो उनका उपचार किया जा सके और उनकी पहचान करके संक्रमण को फैलने से रोका जा सके जी बिल्कुल विदेश से लौटने वाले यात्रियों पर रोक तो नहीं लगाई जा सकती है डॉक्टर मिश्रा लेकिन साथ ही साथ कैसे सावधानी बढ़ती जाए ये भी बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है और साथ ही ये भी हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जितने भी विदेशी यात्री लौट रहे हैं वो गलत या तो पता लिखवा दे रहे हैं गलत नंबर लिखवा दे रहे हैं जिसकी वजह से उनको आ, ट्रेस करने में बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी हो रही है स्वास्थ्य महकमे के सामने जी हाँ किन्हीं कारणों से कुछ यात्रियों का ट्रेसिंग नहीं कर पाया गया था तो उसको जिला प्रशासन ने पुलिस की मदद से करने का प्रयास किया है कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ़ कर रहे हैं क्योंकि ये समाज में बीमारी फैलाने का कारण बन सकते हैं कुछ लोगों ने अनजाने में जिनके टाइपिंग मिस्टेक या फ़ोन नंबर के उसमें कुछ गलती एक आध अंक में हो गया है तो इससे संपर्क नहीं हुआ है या कुछ लोगों के पते बदल गए हैं ऐसा भी है तो इन सभी को पुलिस की सहायता से ट्रेस किया जा रहा है इन लोगों के ख़िलाफ़ एफ़ भी दर्ज की गई है और प्रयास यही है कि सभी लोगों को ट्रेस करके उनका चेकिंग कर लिया जाए अगर वो आठवें दिन पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको आइसोलेशन में रखा जाए नहीं तो सात दिन का क्वारंटीन और तो टोटल चौदह दिन उनको स्वास्थ्य विभाग की देखरेख में रहना होगा ताकि ये बीमारी के लक्षण प्रकट होने पर उनका उपचार किया जा सके और फैलने से रोका जा सके जी जी डॉक्टर साहब 15 से 18 साल के उम्र के बच्चों जी. का जो वैक्सीनेशन अभी शुरू होने वाला है जो ड्राइव शुरू होने वाली है उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने क्या तैयारियां करके रखी हैं, किस स्तर पर तैयारियां करके रखी हैं इसमें देखिए जैसे कोविड की हम चर्चा कर रहे थे कि बीमारी से बचाव के लिए ये सब हमने जो तरीके बताए थे उसके अलावा एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है टीकाकरण क्योंकि कोविड की बीमारी के विरुद्ध अगर कोई भी निश्चित हथियार है तो वो टीकाकरण ही है तो टीकाकरण के माध्यम से हम अपने आप को बचाव कर सकते हैं और इसके लिए लगातार हमारे राज्य में टीकाकरण अभियान के रूप में चलाया जा रहा है अब तक तीन करोड़ दस लाख पाँच हजार एक सौ बयासी डोज लगाए जा चुके हैं हमारे यहाँ की जनसंख्या तीन करोड़ के आसपास है और तीन करोड़ दस लाख डोजेज हम लोग लगा चुके हैं इसके अलावा तीन जनवरी से पंद्रह से अठारह वर्ष के युवाओं को लगभग जिनकी संख्या सोलह लाख है इन लोगों को टीकाकरण किया जाएगा और 10 जनवरी से फिर बूस्टर डोज लगाया जाएगा बूस्टर डोज में ग्यारह लाख छिहत्तर हजार लोगों को लगाया जाना है जिसमें हेल्थ केयर वर्कर हैं तीन लाख चालीस हजार फ्रंटलाइन वर्कर हैं तीन लाख उन्नीस हजार और साठ वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जो अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं इनकी संख्या भी लगभग पाँच लाख सोलह हज़ार है तो इन सब के टीकाकरण के लिए हमारे यहाँ तैयारी हो चुकी है केंद्र बनाए जा चुके हैं और उसमें स्टाफ का प्रशिक्षण भी दिया गया है जी भारत सरकार से गाइडलाइन एवं टीका प्राप्त होते ही हम लगाने का काम चालू कर देंगे जी डॉक्टर साहब स्वास्थ्य विभाग के सामने कितनी बड़ी चुनौती आन खड़ी हो गई है क्योंकि तमाम ऐसे लोग भी हमें देखने को मिले हैं छत्तीसगढ़ में जो टीका नहीं लगवाते हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज भी नहीं लगवाई उनको जबरदस्ती डोज लगवानी पड़ी है ये एक चुनौती जैसा भी है कभी कभी कि कई लोग डर की वजह से टीका नहीं लगवा रहे थे और उनके मन में यह भय था कि टीका लगवाने से कोई परेशानी तो नहीं हो जाएगी कोई रिएक्शन तो नहीं हो जाएगा किंतु हम लोग देख रहे हैं कि टीका की संख्या बढ़ते जाने से लोगों का विश्वास इसमें बढ़ा है और वो अब टीका लगवाने के लिए सामने आ रहे हैं एक दूसरी बात हम लोगों ने यह भी देखी कि तीसरी लहर या ओमिक्रॉन के डर से भी बहुत से लोग टीका लगवाने आगे आ रहे हैं पहले जो हिचक रहे थे अब वो भय की वजह से टीका लगवा रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके अलावा तो और कोई सुनिश्चित बचाव है ही नहीं तो वो टीका लगवा रहे हैं और पहली जैसी स्थिति अब नहीं है ज्यादा लोग टीका लगवा रहे हैं हम लोग तीन करोड़ दस लाख से अधिक डोज लगा चुके हैं जी इसके अलावा उन आ, माता पिता को कैसे जागरूक किया जाएगा डॉक्टर साहब जिन्होंने खुद नहीं टीका लगवाया है जो कि एक तो उनके बच्चों को टीका लगवाना है दूसरी ओर कैसे उन बच्चों के माता पिता को जागरूक किया जाए खुद वो जागरूक नहीं और एक तो उनके बच्चों को फिर यहाँ पर टीकाकरण होना है इसमें बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हर माता पिता बहुत ही ज़्यादा सजग रहते हैं और उसके लिए उन लोग सेंसिटिव भी रहते हैं तो अपने बच्चों के बचाव के लिए वो जरूर टीका लगवाएंगे और स्कूलों के माध्यम से उनके शिक्षकों के माध्यम से ये कार्य होना है तो उससे प्रेरणा भी होगी सुरक्षा भी होगी और एक साथ में होने से उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा वो एक दूसरे को देख करके उनको हिम्मत भी आती है क्योंकि बच्चे तो इंजेक्शन के नाम से ही डरते हैं तो टीका यानी कोई भी है इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाना है तो इंजेक्शन का डर बच्चों के मन में रहता है तो वो उनके मन में नहीं रहेगा तो वो टीका लगवाएंगे और उनको देख करके उनके माता पिता भी जरूर लगवाएंगे जो छूट गए होंगे तो ये भी प्रयास किया जाएगा कि जो दोनों टीका लगवाए हुए हैं ऐसे लोगों को ही इधर उधर जाने की अनुमति हो और सभा समारोह में भी ऐसे ही लोगों को अनुमति दी जा रही है तो ये प्रेरणा का काम भी है और इससे प्रोत्साहन मिलेगा जी ज्यादा से ज्यादा लोग टीका लगवाएंगे जी डॉक्टर साहब जैसे कोंडागांव हो गया बस्तर हो गया जो कि आ, क्या उधर जो स्कूल हैं, क्या वहाँ पर किसी तरीके के कोई स्कूलों में जो कैंपेन है वो शुरू किया जाएगा जागरूकता फैलाई जाएगी वहां के स्कूलों में ताकि बच्चे सीखें और तब जाकर जो है टीका लगवाएं हाँ जी हाँ प्रेरणा और जागरूकता स्वास्थ्य शिक्षा और उनके साथ में लोगों का जो सामूहिक संकल्प के रूप में भी कराया जाएगा तो ये स्कूलों के माध्यम से चूंकि होना है जहाँ पर शिक्षक लोगों का काफ़ी प्रभाव रहता है उनके कहने से बच्चे सब बातें मानते हैं और उन्हें पूरा विश्वास रहता है अपने शिक्षक पर कि ये जो कह रहे हैं हमारे हित में है तो हमारे को एक फायदा तो ये है कि सामान्य जनता में टीकाकरण करने की तुलना में स्कूलों में टीकाकरण करने में ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे क्योंकि तो स्कूलों में एक साथ लगवाते हैं सभी लोग और एक दूसरे को देख करके उनका भरोसा बढ़ता है और शिक्षकों के कहने से ये होगा और कोंडागांव या अन्य पिछड़े क्षेत्रों में भी हम लोग टीकाकरण लगातार कर ही रहे हैं तो हमारे पास में साधन बने हुए हैं और इसी साधनों के अनुरूप हम टीकाकरण को दूरस्थ क्षेत्रों में भी कर लेंगे जी इसके अलावा डॉक्टर साहब ये बात की जाए बूस्टर डोज की अगर हम बात करते हैं तो कितनी लाभदायक कि ये बूस्टर डोज मानी जा रही है इसमें वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बूस्टर डोज लगने से ऐसे व्यक्ति जो ज... इन इस बीमारी के लिए ज्यादा एक्सपोज है यानी जिनको खतरा ज्यादा है तो उसमें से तीन श्रेणियां अभी पहचान की गई हैं हेल्थ केयर वर्कर जो अस्पतालों के डॉक्टर और स्टाफ हैं जो लगातार इस बीमारी से जूझ रहे थे और अभी भी आने वाली लहर में हो सकता है कि संख्या बढ़ जाए जिसमें इन लोगों को पुनः वैसे ही काम करना पड़ेगा और एक्सपोजर बढ़ेगा तो इनका खतरा बढ़ जाएगा दूसरे फ्रंट लाइन वर्कर हैं अन्य विभाग के वो व्यक्ति जो कि इस काम में लगे हुए हैं तो लगभग तीन लाख चालीस हजार हेल्थ केयर वर्कर तीन लाख उन्नीस हजार फ्रंटलाइन वर्कर और तीसरी श्रेणी आइडेंटिफाई हुई है साठ वर्ष से अधिक के उम्र के बुजुर्ग जिनको अन्य बीमारियां हैं और जिनको कोविड या संक्रमण दूसरा होने पर खतरा हो सकता है तो ऐसे लोगों को बूस्टर लगाया जाएगा ये स्थापित सत्य है कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो इंजेक्शन दिए जाते हैं या टीका लगाया जाता है उसकी प्रभाव कम होने पर उसे बूस्टर डोज के माध्यम से पुनः बढ़ाया जाता है तो बूस्टर डोज लगने से इनको जरूर सुरक्षा इनकी बढ़ेगी जी। और विश्वास भी बढ़ेगा हम्म बिल्कुल लेकिन क्या डॉक्टर साहब जिनको गंभीर बीमारी है 60 प्लस के एज के जितने भी सीनियर सिटीजन हैं क्या उनको गंभीर बीमारी है तो क्या वो भी बूस्टर डोज ले सकते हैं क्या उनके लिए वो लाभकारी है हाँ, जैसा इस टीका टीका के लिए है है कोई भी व्यक्ति को ये टीका लग जाएगा है ना अगर उसे कोई अन्य बीमारियां भी हों तो भी ये टीका लगाया जाता है हुँ. तो बूस्टर डोज में भी ऐसे ही लागू होगा एक ही बात रहेगी कि मान लो उसे बीमारी की वजह से तबियत ठीक नहीं लग रही है हुँ. तो फिर उसको टीका को कुछ दिन के लिए स्थगित रखना चाहिए ताकि बीमारी के लक्षण और टीका में कभी कभी जो थोड़ा बहुत बुखार या हाथ पैर में दर्द होता है या जहाँ इंजेक्शन लगता है वहां दर्द होता है उसमें फर्क किया जा सके तो जब अच्छा लगे तभी टीका लगाना चाहिए चाहे उसे ब्लड प्रेशर हो डायबिटीज हो थायराइड हो हार्ट हो कोई भी बीमारी हो वो टीका लगवा सकते हैं जी और अगर फ्रंटलाइन वर्कर्स में गर्भवती महिलाएं शामिल हैं तो क्या गर्भवती महिलाएं बूस्टर डोज ले सकती हैं क्योंकि टीकाकरण में तो ये कहा गया कोवैक्सीन अगर या फिर बाकी वैक्सीन अगर महिलाएं लगवाती हैं टीका अगर महिलाओं ने लगवाया फर्स्ट और सेकंड डोज लगवाई महिलाओं ने तो वो लाभकारी थी कोई साइड इफेक्ट उनमें महिलाओं में नहीं देखने को मिला लेकिन अगर बूस्टर डोज महिलाएं लगवाती हैं तो उनके जहन में ये सवाल उठ रहा है क्या उनके बच्चे के लिए ये लाभकारी है पहली बात तो यह है कि जिस प्रकार से अपन ने टीका किया था जो टीकाकरण पहला और दूसरा डोज लगाया था तो उसी प्रकार का ही टीका हमको बूस्टर डोज में उपयोग होना है और दूसरी बात यह है कि हमें अपने फिजिशियन स्त्री रोग विशेषज्ञ शिशु रोग विशेषज्ञ अगर कोई भी शंका मन में है तो हम अपने उससे सलाह ले करके फिर लगवा लेंगे क्योंकि आमतया इसमें कोई परेशानी नहीं है ना, अगर कोई विशेष परिस्थिति है कुछ है तो मन में शंका ना पाल के वो अपने चिकित्सक से सलाह ले ले, और टीका लगवा लें बूस्टर लगवा लें ताकि सभी लोग सुरक्षित हो सकें जी जी बिल्कुल डॉक्टर मिश्रा एक और चीज मैं आपसे यहाँ समझना चाहूंगी ओमिक्रोन चूंकि इसका खतरा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है देश में क्या ये खतरा गर्भवती महिलाओं के लिए ज्यादा और ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बुजुर्गों के लिए भी हो सकता है खतरनाक क्या ये गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक पैदा कर सकता है इसमें मोटे तौर पे मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि ओमिक्रॉन या कोविड या कोई भी संक्रमण ये सामान्यतया छोटे बच्चों में बुजुर्गों में या जिनको बीमारियां हैं डायबिटीज ब्लड प्रेशर थायराइड हार्ट लिवर किडनी या जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज हैं जिनका किडनी या लीवर का ट्रांसप्लांट हुआ है या उनको कोई दवाइयां चल रही हैं इम्यूनो सप्रेशन की तो ऐसे व्यक्तियों को संक्रमण का प्रभाव खतरनाक हो सकता है तो ये इन जनरल बात है सभी को इससे सावधान रहना चाहिए दूसरी बात मेरा ये कहना है कि इसमें गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। तो गर्भवती महिला से लेकर के हर प्रकार के व्यक्ति जो ज्यादा खतरनाक स्थिति में आ सकते हैं उन्हें सावधानी ज्यादा बरतना है इसके अलावा आम जन को भी उतनी ही सावधानी बरतना है उसको ये नहीं देखना है कि ये कोरोना कितना तगड़ा है ओमिक्रॉन उससे तगड़ा है कि कमजोर है डेल्टा है कि नहीं है दुश्मन तो दुश्मन ही होता है चाहे वो कमजोर हो या तगड़ा हो है ना हमें सावधानी पूरी रखना पड़ेगी क्योंकि किस व्यक्ति में किसका क्या हो जाए ये अपन नहीं कह सकते इस वजह से हमें सावधान रहते हुए अपना बचाव करना जरूरी है जी बिल्कुल लेकिन डॉक्टर साहब अभी तक ओमिक्रोन के माइल्ड सिम्टम्स ही देखने को मिले हैं क्या नवजात बच्चों में ये खतरा जो है वो देखने को मिल सकता है अगर माँ को चलिए मानिए एग्जाम्पल के तौर पर हम ये देख लेते हैं कि माँ को जो है वो ओमिक्रोन हो गया तो क्या ये ओमिक्रोन बच्चे को हो सकता है बच्चे तक फैल सकता है उसमें जो अभी तक के अध्ययन हुआ है ऐसा कोई केस स्टडी नहीं कर पाए हैं डॉक्टर लोग किंतु एक संभावना रहती है कि माँ को अगर कोई इन्फेक्शन या संक्रमण हो तो बच्चे में भी कुछ ना कुछ प्रभाव उसका आता है कभी कभी बच्चों में इसके प्रभाव खतरनाक हो जाते हैं खास करके अगर पहले तिमाही में है ना जिस फर्स्ट टाइमेस्टर में जब अंगों की रचना होती है उस समय अगर गर्भवती महिला को कोई संक्रमण हो कोई बीमारी हो तो इस पर प्रभाव पड़ जाता है इसका ज्यादा प्रभाव तीसरे तिमाही में भी आता है थर्ड ट्राइमेस्टर में तो उस समय मिस मिसकैरेज होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं तो माता के बीमारी का असर कुछ ना कुछ छोटे बच्चे में होने की आशंका रहती है जी ऐसे केसेस में किन बातों का ध्यान फिर डॉक्टर साहब रखा जाता है क्या सावधानियां फिर बढ़ती जाएं खासकर गर्भवती महिलाओं को हमको गर्भवती महिला को अलग से है ना विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि उनमें प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है साथ में दो जीव में संक्रमण होने का डर है तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि इनका एक्सपोजर ना हो बाहरी व्यक्तियों से जो लोग इनके नियमित देखभाल कर रहे हैं या घर में हैं उन लोग अपने आप को बचा के रखें और छोटा भी लक्षण प्राप्त होने पर या दिखने पर तुरंत जांच करा लें तो पता लग जाए कि हमें बीमारी है कि नहीं अगर बीमारी है तो तुरंत होम आइसोलेशन में चले जाएं क्योंकि हमेशा बीमारी गंभीर नहीं होती यह सत्य है किंतु किसको गंभीर हो जाएगी किसको नहीं होगी इसकी घोषणा करना या उसका अंदाज लगाना कठिन है कभी भी किसी भी व्यक्ति को वही बीमारी गंभीर हो जाती है और दूसरे व्यक्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो गर्भवती महिलाओं में चूंकि खतरा ज्यादा रहता है इसलिए हमें इनके साथ में सावधानी अतिरिक्त बरतना चाहिए जिसमें उनके टीकाकरण से लेकर के सभी प्रकार के जो कोविड अनुरूप व्यवहार हम कहते हैं ना वो हमको पालन करना चाहिए बिल्कुल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन सैनिटाइजेशन और मास्क लगाने से बहुत हद तक के हम कोविड से बचाव कर सकते हैं इनका बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर सुभाष लेकिन खाने पीने के जरिए अपने डाइट के जरिए कैसे खुद को स्वस्थ रखा जा सकता है इस कोरोना काल में इसमें सामान्यतया हमको जो भोजन हम लेते हैं एक तो सुपाच्य होना चाहिए है ना जो कि शरीर में जिसका पाचन अच्छे से हो जो आप खाते हैं वही खाएं पौष्टिक होना चाहिए जिन मैंने गर्भवती महिलाओं को अगर हम विशेष रूप से बोलें या छोटे बच्चों को बोलें हैं तो उन्हें प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है विटामिनस की ज़्यादा ज़रूरत होती है इसके अतिरिक्त विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन सी और इसकी कैल्शियम की मात्रा अच्छी होना चाहिए कुछ अध्ययन से किए गए हैं कि इन चीजों से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमें हर प्रकार की वो चीजें इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमें विश्वास है कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी खान पान के अलावा हमारा दैनिक जीवन भी ऐसा होना चाहिए जिसमें हम अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सके नंबर वन और किसी भी प्रकार से उसे कम ना होने दें प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारणों में नींद पूरी नहीं होना ज्यादा मेहनत कर लेना पानी नहीं पीना समय पर भोजन नहीं करना देर से उठना या देर से सोना इस प्रकार की चीजें होती हैं सामान्य व्यायाम बिल्कुल यानी कि इन सारी चीजों का ख्याल तो रखना ही है डॉक्टर साहब और साथ ही साथ एक्सरसाइजेस भी आ, समय पर करते रहना है व्यायाम समय पर करना है व्यायाम के जरिए भी आ, तन को मन को स्वस्थ बनाया जा सकता है डॉक्टर साहब समय की थोड़ी सी कमी है बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए न्यूज ट्वेंटी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को कीमती समय देने के लिए सेहतनामा में फिलहाल के लिए बस इतना ही आप देखते रहिए न्यूज ट्वेंटी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़